अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केंद्रीय विश्वविद्यालय शाहपुर इकाई ने स्थायी परिसर के जल्द निर्माण हेतु एवं अस्थायी परिसरों से मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में नाकाम रही प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिछले कई दिनों से चले विद्यार्थी परिषद के इस आंदोलन ने आज एक नया मोड़ देखा। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शाहपुर परिसर में भैंस लाकर सबको चौंकाते हुए भैंस के सामने बीन बजाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे छात्रों के बीच से ये खबर फैली, सभी अपनी कक्षाओं को छोड़कर इस प्रदर्शन में शामिल होते गए। छात्रों को संबोधित करते हुए इकाई सचिव सचिन राणा ने कहा कि जिस प्रकार से पिछले 11 वर्षों से प्रदेश एवं केंद्र की सरकारें इस विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के निर्माण के मुद्दे को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए प्रयोग कर रही है, वो काफी शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि आज विद्यार्थी परिषद को इस परिसर में भैंस लाकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से केवल प्रदेश सरकार की है। पिछले 11 वर्षों से सरकार जिस प्रकार से स्थायी परिसर के निर्माण की मांग को अनसुना कर रही है, वो पूर्ण रूप से भैंस के आगे बीन बजाने की कहावत को सिद्ध कर रहा है। सचिन राणा ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के निर्माण हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवार प्रदेश सरकार होगी। इस प्रदर्शन में 20 से अधिक कार्यकर्ता और 150 से अधिक छात्र मौजूद रहे। मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर चौहार घाटी के 9 देवताओं द्वारा देव खेल का आयोजन किया गया। गुरुओं द्वारा प्रदर्शित की गई देव खेल के बारे जानकारी देते हुए सर्व देवता समिति के उपाध्यक्ष मोहनलाल ठाकुर ने बताया कि देव खेल 40 साल पहले किसी कारणवश हो गया था और इस बार शिवरात्रि महोत्सव में इस परंपरा को पुनः शुरू करने की मांग पर इसे शुरू किया गया है। रियासत काल के दौरान राजाओं द्वारा अपने महल में बुलाकर देवी देवताओं की शक्तियों का परीक्षण किया जाता था और उसके उपरांत जो देवी देवता परीक्षण में पास हैं उन्हें ही राज दरबार में आमंत्रित किया जाता था और देव खेल परंपरा में शामिल किया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान मेला ग्राउंड में लगाई गई दुकानों के आसपास मेला परिसर में स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। एसडीएम सदन निवेदिता नेगी ने नगर परिषद पुलिस फूड सेफ्टी टीम के साथ मेला परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने दुकानदारों को मेले में आए लोगों से आग्रह किया कि मेला परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि गंदगी को केवल कूड़ेदानों में ही डालें। उन्होंने विशेष तौर पर दुकानदारों को निर्देश दिए कि अपनी दुकान के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें ताकि उपभोक्ता को उच्च गुणवत्ता के पदार्थ मिले। एसडीएम ने खाद्य पदार्थों की दुकानों का निरीक्षण किया और दुकानदारों को स्वच्छता रखने के बारे में कड़े निर्देश दिए। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि खाद्य पदार्थ बनाते एवं सर्व करते समय दस्तानों का प्रयोग करें और सिर ढककर रखें। एसडीएम ने मेला ग्राउंड में पेयजल और शौचालय सुविधा का भी निरीक्षण किया। उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेला परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। इस मौके पर उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष नगर परिषद बीआर नेगी, स्वास्थ्य एवं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सोलन में नशे का काला कारोबार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रतिदिन पुलिस नशे का काला कारोबार करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, लेकिन सोलन में उसके बावजूद भी ये कारोबारी और उसके सेवन करने वाला कोई कम नहीं हो रहा है। आज भी पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से चिट्टे की खेप बरामद हुई है। पुलिस ने अब पकड़े गए युवकों से कड़ी पूछताछ कर रही है और जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर उनके पास ये चिट्टा कहां से आया और किसे बेचा जाना था। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सोलन सब्जी मंडी के समीप सुनूकर पर छापा मारा गया, जहां से पुलिस ने 4 युवकों को चिट्टे की खेप के साथ गिरफ्तार किया। इन युवकों के पास से 6.64 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। पकड़े गए युवक अमन कुमार, बसंत कुमार, कथेड़, साहिल लेप्टा चौपाल, रितांशु जो की बसाल की रहने वाले हैं। चारों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। चारों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है।